अरविंद केजरीवाल को आज जेल या जमानत। दिल्ली हाई कोर्ट से फैसला आज। जज न्याय बिंदु ने दी थी जमानत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए आज बेहद अहम दिन है। वजह यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट से आज ये फैसला आने वाला है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या वो जेल में ही बंद रहेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट से आज दोपहर तक इस मामले में आज फैसला आने की उम्मीद है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट आज दोपहर 2:30 बजे तक इस पर अपना फैसला सुनाएगा। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद ये भी तय कर दिया गया था कि 25 जुलाई को वो अपना फैसला सुनाएगा। बहरहाल आज आम आदमी पार्टी और ईडी की नजरें दिल्ली हाई कोर्ट पर टिकी हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी या फिर वो तिहाड़ जेल में ही बंद रहेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट के वोकेशनल जज ने ईडी की इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिए थे कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आने तक उसके आदेश पर रोक रहेगी, यानी कि केजरीवाल जेल में ही बंद रहेंगे और उनकी जमानत पर स्टे रहेगा। जिसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर कहा कि वो 21 जून के आदेश में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने कहा कि इस मामले पर पहले से फैसला लेना सही नहीं होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने यह जरूर कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट का ये आदेश असामान्य है। बेंच के मुताबिक आमतौर पर सुनवाई की तारीख पर ही लगाने का आदेश दिया जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख दी। गौरतलब है कि दिल्ली के राव जेवेनी कोर्ट से 20 जून को अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल मिल गई थी, जिसके बाद 21 जून को ईडी ने उस जमानत को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर लंबी बहस के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं इस मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाली जज न्याय बिंदु भी खासी चर्चा में रहे, क्योंकि उन्होंने ट्रायल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को बेल देते हुए एक रिकॉर्ड बना दिया। वजह यह है कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले के इस मामले में अरविंद केजरीवाल पहले आरोपी हैं जिन्हें जमानत दी गई थी। गौरतलब है दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत भी 1 जून तक मिली थी। उसके बाद 2 जून से केजरीवाल एक बार फिर से तिहाड़ जेल में है। ऐसे में आज सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आज दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिलेगी या फिर उन्हें तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।